हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है तो रिप्लाई करिएगा। एंड मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी चीज परचेज करते हो तो आपको झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर का कोड यूज करना है। बहुत सारे मतलब डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेंगे। और अभी एनुअल प्राइस जो है उसमें हाइक हो रहा है, बढ़ रहे हैं प्राइसेस इनके यहाँ, तो आप जो है वो इनको ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि 9, अगर आपको ज्वाइन करना है तो 9/12/2021, 9 दिसंबर से पहले जो है वो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ऑप्शनल भी यहाँ पर काफी सारे हैं और एक बार ऑप्शनल की पेमेंट करके आप जो है वो सभी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और कोड यूज करना है झा सर कैपिटल में। और यूपीएससी के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं 8 दिसंबर से, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोड आपको बताइए क्या यूज करना है, कैपिटल में झा सर का। फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर काफी सारी है। हर संडे 11 बजे टेस्ट होता है, एक मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है, और मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे, और मतलब शाम में 7:30 बजे और सुबह 10 बजे टेस्ट होता है। तो इसमें भी आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। और बाकी 5 दिसंबर को यानी कि कल की डेट में 11 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप इस टेस्ट में जो है वो जरूर पार्टिसिपेट करें। 60 मिनट का टेस्ट होगा, टोटल 656 क्वेश्चन होंगे। सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट अवेलेबल होगा और इसमें आपको वेरियस गिफ्ट्स वगैरह जो है वो मिल सकेंगे, यानी कि वेरियस इनके अवार्ड्स वगैरह हैं जो आपको मिल सकेंगे। और जब भी टेस्ट वगैरह दो या कुछ भी अनअकैडमी में जाओ तो झा सर कैपिटल में झा सर का कोड जो है वो जरूर यूज करना, राइट। और बाकी ये लोन भी प्रोवाइड कराते हैं स्टडी करने के लिए लोन, और 0% इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल जाता है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। और भी काफी सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे, बट झा सर का कोड आपको यूज करना। और 5 दिसंबर कल की डेट पे टेस्ट जो है वो सभी लोग दीजिएगा। एंड चलिए फिर अपने सेशन को जो है अपन शुरू करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स भी जो है वो आ चुके हैं। यस, तो स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को। और हमारे भी काफी सारे बैचेस हैं गाइस। करंट अफेयर्स का लाइव बैच, पीडीएफ बैच, जीरो से तैयारी, प्री प्लस मेंस बैच जो हाईली रिकमेंडेड है, जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। और मेंस आंसर राइटिंग का बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का सेल्फ स्टडी बैच है। और ये 9713282838 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैचेस की इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। और बाकी ये करंट अफेयर्स का जो अभी लाइव सेशन आप देख रहे हैं उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, तो ऑलरेडी आपके पास जो है वो पीडीएफ आपको दे दी जाती है। लाइव सेशन कंडक्ट करने से पहले आपका काम होता है उस पीडीएफ को, स्टडी मटेरियल को एक बार गो थ्रू करना। और फिर उसके बाद जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ तो उस लाइव सेशन के दौरान आपको डाउट्स पूछना रहता है, यानी कि आप जो भी यानी कि पढ़कर आए हुए होते हैं तो उसमें जो भी आपको डाउट्स होता है तो वो यहाँ पर आप रेज कर सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो एक ही टॉपिक आपका मतलब एक ही बार में, यानी कि आप पढ़ते हैं और उसके बाद फिर लाइव सेशन लेते हैं तो एक टॉपिक आपका 2 बार कवर होता है, तो इससे लॉन्ग टर्म तक उस टॉपिक को याद रखने की आपकी जो क्षमता होती है वो बन जाती है। साथ ही साथ मेमोराइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होती है, एक टॉपिक पर बहुत अच्छी कमांड डेवलप होती है, और फिर क्या, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। और रीडिंग और राइटिंग स्किल्स भी इसमें डेवलप होती है आपकी। तो ये इसके फायदे होते हैं लाइव सेशन को अटेंड करने के। और बाकी शेयर किया करोगे इस लेक्चर को, क्लास को। और चलो आज के क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पराग अग्रवाल, कौन है पराग अग्रवाल? अभी आपने पढ़ा है इस टॉपिक को, बताइए जरा पराग अग्रवाल कौन है? सीईओ किसके, कौन सी कंपनी के? ट्विटर के। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। बारबाडोस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को, हालांकि इसकी लोकेशन वगैरह हम लोग देखेंगे और अभी ये क्या क्या चीज हुआ है इस कंट्री में, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के बारे में मैंने अभी आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई थी थोड़ी देर पहले। अपना टेलीग्राम का ग्रुप है गाइस, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम के चैनल को, तो वहां पर लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। और अलग से भी आपके इस टीचमेंट पर भी मैंने यानी कि लाइव सेशन की जो एप्लीकेशन है उस पर भी मैंने लिंक प्रोवाइड कराई, देख ली सभी लोगों ने? IFSC बहुत ईजी तरीके से इस टॉपिक को मैंने समझाया है, तो ये IFSC टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। और फिर मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ये क्या है, तो इसको देखेंगे। हालांकि नाम से ही पूरी चीज समझ में आ रही है, इसमें थ्योरी में उतने जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है इस टॉपिक के बारे में, NEIA के बारे में। और फिर मैंने आपको एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक टॉपिक दिया था, जिसमें मेरे ख्याल से OCI भी कवर्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी कवर्ड है, और मेरे ख्याल से एक और चीज उसमें कवर्ड है, इनर लाइन परमिट, आई थिंक इनर लाइन परमिट का टॉपिक भी उसके अंदर कवर्ड है। तो ये तीनों टॉपिक जो है वो उसमें कवर, हाँ PIO और OCI और PIO तो मर्ज हो गए, राइट। तो वो पूरे टॉपिक्स को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो
मैं उम्मीद करता हूँ वाली टॉपिक भी जो है आपने कवर कर लिया होगा। हालांकि YouTube पर जो भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी इसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं और बाकी पार्कर सोलार प्रोब इस टॉपिक को भी हम पहले कवर कर चुके हैं। अच्छा, ये पार्कर सोलार प्रोब कोई मुझे बता सकता है कि पहले जो हमने इस टॉपिक को कवर किया था तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कवर किया था? कुछ वीनस से रिलेटेड कुछ चीज याद आ रही है आपको कि वीनस के पास में था ये? नहीं, सन पार्कर सोलार प्रोब तो सन का मिशन है, राइट, सूर्य की स्टडी करने के लिए गया। बट याद करो एक बार कि हमने पहले जब इस टॉपिक को कवर किया था तब मैंने आपको बताया था कि वीनस के पास बहुत सारी इसने लाइट जो है वो देखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन या हम लोग को देखने को मिल रहा था कि जो साइट्स है काफी सारी लाइट्स की, कलरफुल लाइट्स की, तो वो इसको जो है वो नजर आई थी। तो याद करो इस टॉपिक को हमने उस समय डिस्कस किया था, याद आ गया पूरा, रिकॉल कर लिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके की भी चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। पार्कर सोलार प्रोब जो है वो पहले तो वीनस के चक्कर लगाया था उसने, फिर अभी वो मरकुरी के चक्कर लगा रहे हैं और सन के काफी नजदीक जो है वो पहुंच गया, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, है ना। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी। और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में तो न जाने कितनी बार हम लोग चीजों को कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आइए इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिंपल सी एक चीज बस आपको ध्यान में रखनी है कि पराग अग्रवाल जी जो है वो सीईओ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नए सीईओ ट्विटर के हम लोग को देखने को मिल रहा है, दैट्स इट। और बारबाडोस की हम लोग बात करेंगे, तो बारबाडोस कंट्री की एक्चुअल में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है। देखिए आप साउथ अमेरिका के ऊपर देखेंगे, कैरिबियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको नजर आएंगे, कैरिबियन सी के पास, तो यहीं पर ही बारबाडोस हम लोग को देखने को मिल रही है। तो क्वीन एलिजाबेथ टू को इसने ऑफिशियली जो है वो रिमूव कर दिया एज द हेड ऑफ इट्स स्टेट, राइट, इसके राज्य के प्रमुख के रूप में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को जो है वो इसने हटा दिया है और दुनिया की सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक ये बन चुकी है, सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नियरली 400 सालों तक हमें देखने को मिला था कि ये कंट्री जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी के तौर पर हमें देखने को मिली थी और अब ये न्यूएस्ट रिपब्लिक बन चुकी है। इस टॉपिक को आई थिंक हमने बहुत डिटेल में जो है वो कवर किया था वैसे, राइट। और इस कंट्री की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये वन ऑफ द 54th कॉमनवेल्थ नेशन कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। और बारबाडोस की बात करें तो साउथ ईस्टर्न कैरिबियन सी में है ये, तो मेनली इसकी लोकेशन ध्यान में रखो और लेटेस्ट जो न्यूज है इससे रिलेटेड तो वो बस आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो चलो ये छोटे से कुछ टॉपिक थे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पेपर टू के टॉपिक, इसको मैंने आप लोग को ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, IFSC, सभी को क्लियर है IFSC के बारे में, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया उसका एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी उद्घाटन किया इन्फिनिटी फोरम का। किसका उद्घाटन किया? इन्फिनिटी फोरम। ये फोरम जो है वो फिनटेक के लिए, कोई बता सकते हैं मुझे कि फिनटेक कंपनीज कौन सी कंपनी होती है? फिनटेक कंपनीज, किसी को पता है फिनटेक कंपनीज के बारे में? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली आपने लिखा बिल्कुल सही, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो हमारी जो इंटरनेट बैंकिंग जो चलती है, राइट, और जो हम लोग जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, राइट, तो ये पूरी चीजें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हो रही है तो वो फिनटेक कंपनीज के माध्यम से करवाई जाती है। ये फिनटेक कंपनी इन सब टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, राइट। तो ये एक फोरम है किसका? फिनटेक का। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पर काफी सारे दुनिया भर के लोग मौजूद होंगे, दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स मौजूद होंगे, जो कि किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब किया है उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है फिनटेक को जो है वो और नए नए इनोवेशन किस प्रकार से लाए जाए उसके बारे में, राइट। तो ये चीज है। और इस इवेंट को होस्ट किया IFSCA के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर गिफ्ट सिटी में ये होस्ट किया गया है, और गिफ्ट सिटी की कोलैबोरेशन और ब्लूमबर्ग के कोलैबोरेशन के साथ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, UK, ये इसकी पार्टनर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, इसके पहले एडिशन में फोरम के जो 3 दिसंबर को हुआ। तो यही चीज है कि लीडिंग माइंड्स पूरे दुनिया भर के जितने भी लीडिंग माइंड्स है किस फील्ड में? फिनटेक की फील्ड में, राइट, फिनटेक की इंडस्ट्री के, तो वो यहाँ पर आए हैं फिनटेक को और आगे ग्रो करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इसको लेकर बस एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम जो है वो है बियॉन्ड, और इसकी वेरियस सब थीम्स हम लोग को देखने को मिली, जैसे फिनटेक बियॉन्ड बाउंड्रीज, फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस, फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और 70 से भी ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो बस ये सिंपल सी दो चीजें बस आपको जो है वो पता होनी चाहिए। IFSCA के बारे में तो आपको आई थिंक क्लियर होगा। कोई है स्टूडेंट जिसको IFSCA के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट? क्योंकि बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को मैंने वहां पर समझाया हुआ है, IFSCA टॉपिक को, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इस टॉपिक में उतना कुछ खास नहीं है।
राइट बट हाँ, अगर ये फोरम आ जाए इन्फिनिटी फोरम, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फिनटेक को बढ़ाने से रिलेटेड, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड ये फोरम हम लोग को देखने को मिलता है। और बाकी IFSC बहुत ही सिंपल, इसमें इसमें आप थ्योरी के थ्रू जो अगर समझने की कोशिश करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने वो वीडियो जो है वो बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बनाया था। देख लिया ना, सभी लोगों ने देख लिया? कोई एक ऐसा है कि जिसने ना देखा हो? जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा नीचे। वैसे तो आपकी जो लाइव एप्लीकेशन है उस पर भी मैंने लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दी, बाकी यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी इसमें किसी को कोई डाउट? अभी मैंने आपको पढ़ने का समय दिया था, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे हाँ या ना में तो बोल दो। तो पढ़ लिया ना सबने? किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी भी प्रकार का इस टॉपिक के अंदर? डाउट कुछ भी हो तो आपको तुरंत पूछना है, डाउट से झिझकाना नहीं है बिल्कुल भी कि अरे यार ये सिंपल सा टॉपिक मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। लोग को भाड़ में जाने दो, आपको सिर्फ अपनी सोचना है। एग्जाम आपको क्लियर करना है और कोई नहीं चाहता कि आप एग्जाम को क्लियर करो, इसलिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप जो है वो पूछें, राइट। इसलिए ये सब लाइव सर्विसेज जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है कि डाउट जो भी छोटे से छोटा, संकोच करने की जरूरत नहीं, जो संकोच करेगा वो नुकसान में रहेगा हमेशा। तो ये बात रखो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, अगर आपको बहुत बेसिक सी सिंपल सी चीज भी नहीं पता तो भी पूछो यार, क्योंकि आप ये मत सोचो कि अरे यार वो सामने वाले क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, तो इस संकोच में किसी को नहीं रहना है, राइट। इन सब चीजों से ऊपर उठो अभी आप, अभी आप सेल्फिश बनो अपनी प्रिपरेशन के लिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग करना है, फुट डालना है, एग्जाम निकालना है। चलो मिशन इंद्रधनुष 3.0 की हम लोग बात करेंगे, बहुत शानदार मिशन है ये। किस चीज से एसोसिएटेड ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीकाकरण से रिलेटेड ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो दो राउंड्स इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 के हमें देखने को मिले हैं 15 दिन के, राइट। और ये रिसेंटली कंडक्ट किए गए हैं और इसमें जो प्रेग्नेंट महिला है और जो बच्चे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो जिनका वैक्सीनेशन मिस हो गया है, रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 250 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को देखने को मिला है, राइट। तो यहां पर जिनका वैक्सीनेशन मिस हुआ है तो उन तक वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वैक्सीन उन तक पहुंचाने के लिए, वैक्सीन का एक्सेस करवाने के लिए ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 हम लोग को देखने को मिला। इसमें अराउंड 9.5 लाख बच्चे और 2.2 लाख प्रेग्नेंट महिला जो है उनको वैक्सीनेशन जो है वो दी गई है। इंटेंसिफाइड मिशन 3.0 की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इस कैंपेन का मेन एम ये है कि बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं तक जो है वो पहुंचाना, किस चीज को पहुंचाना, वैक्सीनेशन को, राइट। कि जो बच्चे रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या जो प्रेग्नेंट महिला जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में छूट गए थे तो उन तक जो है वो वैक्सीन की सुविधा जो है वो पहुंचाना, राइट। उन तक उनको वैक्सीन लगवाना, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसका एम, मेन एम ये है कि फुल इम्यूनाइजेशन वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन का एक्सेलरेट करवाना, मतलब कि तेजी से जो है वो सभी महिला और प्रेग्नेंट महिला और सभी बच्चे जो है उनको वैक्सीन जो है वो लग जाए, राइट। तो इस पर मेनली जो है वो फोकस किया गया कि मतलब कौन सा फेज कब शुरू हुआ है, कितने फेजेस हुए हैं, तो वो सब चीज आपको उतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं। आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इस मिशन का वो पता होना चाहिए कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो माइग्रेशन एरियाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे एरियाज जो दूर दराज के होते हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है, तो वहां के जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया है इस पर्टिकुलर मिशन के दौरान की जिनकी वैक्सीन मिस हो गई थी, राइट। और बात करें हम लोग डिस्ट्रिक्ट के क्लासिफिकेशन की, तो इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट को तीन कैटेगरी में मेनली क्लासिफाई किया गया, एक तो लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क वाली डिस्ट्रिक्ट। अब ये रिस्क किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि रिस्क उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि कहां कहां पर वैक्सीन जो है वो नहीं लग पाती है लोगों को, यानी कि जहां पर ज्यादा वैक्सीन नहीं लग पा रही है, वैक्सीन का एक्सेस नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर बड़ी प्रॉब्लम्स जो है यानी कि प्रिवेंटेबल डिजीजेस की, राइट, यानी कि ऐसी बीमारी है जिनको आप वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हो, तो वो बीमारी आप उस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसी जो क्षेत्र होंगे, ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट होंगी, वो हाई रिस्क की कैटेगरी में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये रिस्क को जो है वो उन्होंने, या फिर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट को रिस्क के आधार पर, राइट। और अब बात कर लेते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में। तो 2014 में इसको शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष को। इसका मेन एम ये था कि स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, री एनर्जाइज करना,
राइट प्रोग्राम को और अचीव करना फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को सभी बच्चों में और प्रेग्नेंट महिलाओं में। अल्टीमेट गोल जो है मिशन का, मिशन इंद्रधनुष का ये था कि पूरी तरह से यानी कि सभी को वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, हर प्रकार की वैक्सीन। स्पेशली इंद्रधनुष जब ये शुरू किया था तो स्टार्टिंग में 7 वैक्सीन जो है वो लेकर आए थे, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो सभी को लगानी है, राइट बच्चों को और महिलाओं को, राइट बच्चे जिनकी उम्र 2 साल तक की है और प्रेग्नेंट महिलाएं, राइट। तो इस पर मेनली फोकस जो है वो ये किया गया था। और इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो और इंटेंसिफाई करने के लिए यानी कि इस प्रोग्राम को और तेजी से और एक्सेलरेट करने के लिए और लोगों तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से पहुंचाने के लिए ये मिशन 2017 में शुरू किया गया। इसका मेन एम वही सेम था कि प्रेग्नेंट महिलाएं और जो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल तक की है, राइट, जिनके वैक्सीन के डोज जो है वो मिस हो गए हैं, राइट, जिनका रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है, तो उन तक वैक्सीन का एक्सेस जो है वो पहुंचाना। और इस स्पेशल कैंपेन के अंदर फोकस ये था कि वैक्सीनेशन कवरेज को जो है वो इम्प्रूव करना, राइट, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और सिटीज के अंदर, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी और उसको कंप्लीट करना 2018 तक। तो हालांकि ईयर्स वगैरह याद मत रखो, बट आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिफाइड मिशन जो है वो क्या है। जैसे ये 2.0 की बात कर रहे हैं, अभी इंटेंसिफाइड मिशन की बात करी, उससे पहले मिशन इंद्रधनुष की हमने बात करी। तो 2.0 जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए, यानी कि एक भी बच्चा हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको वैक्सीन ना लगाई गई हो। और स्पेशल फोकस था कवरेज को इम्प्रूव करने के ऊपर कि मतलब एरियाज जहां पर बहुत कम वैक्सीन का एक्सेस लोगों को मिल पाता है तो उन एरियाज पर वैक्सीन जो है वो लोगों को या स्पेशली बच्चों को जो है वो लगवाना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और थ्रू इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 द हेल्थ मिनिस्ट्री एम्स टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 2 ईयर्स एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन स्टिल अनकवर्ड पार्शियली कवर्ड इन 271 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये बताया जा रहा है कि इस मिशन के थ्रू हर एक बच्चे तक जो है वो वैक्सीन का एक्सेस और हर एक प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं उन तक वैक्सीन का एक्सेस पहुंचाने के लिए मिशन जो है वो हमें देखने को मिला। बस इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए इस मिशन के बारे में। अभी 3.0 जो है वो शुरू हुआ है, राइट। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें देखने को मिला था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अलका जी सभी वैक्सीन की बात हो रही है एक्चुअली। इसके अंदर मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो हम लोग को देखने को मिलती है, जब इस मिशन को शुरू किया गया था तब 7 वैक्सीन थी और आज की डेट में मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 वैक्सीन जो है वो ये अभी कवर कर रहे हैं। 13 या 14 वैक्सीन को चाहिए कवर कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो जो जिसकी जरूरत पड़ती है बच्चों को और महिलाओं को। चलो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट की बात करते हैं। इशिका जी लेट हो गए आप लगता है। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, देखिए इसकी थ्योरी में उतना कुछ खास जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता, आपको उसकी थ्योरी के अंदर बहुत सारी अननेसेसरली चीज जो है वो लिखी हुई है, बट इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? छोड़ो अकाउंट, छोड़ो नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस से एक चीज तो आपको पता है क्लियरली कि जैसे कि जब भी नुकसान होता है तो उस पर हम लोग क्लेम करते हैं तो कंपनी क्या करती है उस नुकसान की भरपाई करती है, राइट। तो यू नो अबाउट इट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर गाड़ी, अगर हमारी गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ने बाहर खड़ी हुई रहती है गाड़ी, किसी ने ठोक दी होती है, राइट, उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट, गाड़ी डैमेज हो गई, तो आप इंश्योरेंस कंपनी में जाके क्लेम कर सकते हो, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपसे सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लेती है और पूरी गाड़ी जो है वो आपकी बना के दे देती है कि नहीं, यही चीज होती है। तो ये क्या है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हमारी कंट्री से हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे वो अगर डैमेज होता है, कुछ इश्यूज होते हैं उसमें, तो क्या होगा, वो इश्यूज जो होंगे वो रिजॉल्व किए जाएंगे, मतलब वो क्लेम करने के बाद वो कंपनी जो है वो भरपाई करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के अंदर, और कुछ नहीं है। चलिए थ्योरेटिकली भी इसको एक बार जो है वो देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए कि हाँ यार थ्योरी भी आपने पूरी कवर कर ली, बट कोई काम का नहीं है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट को, किस चीज के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो है क्या नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ये? तो ये एक ट्रस्ट है, राइट, जिसे सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ये मिनिस्ट्री थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और इसे एडमिनिस्टर किया जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ECGC के द्वारा। और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट जो है ये स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, किस चीज के लिए, ऑब्वियस ही बात है
एक्सपोर्ट ट्रस्ट है और एक्सपोर्ट इंश्योरेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली यदि प्रमोट करने के पर्पस के लिए एक्सपोर्ट को, कि जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया के देखने को मिलते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो उन्हें प्रमोट करने के पर्पस के लिए किया गया है, राइट। और नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट का मेन एम क्या है कि इंश्योर करना कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिस्क कवर फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड अदर हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, कि जो भी हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स होते हैं, राइट, यानी कि या फिर जो भी मतलब जो रिस्क होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट, रिस्की प्रोजेक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जिसके नुकसान से जो है वो, जैसे कि जो भी एक्सपोर्टर जो होते हैं, यानी कि वो अगर उसको कुछ डैमेज होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस एक्सपोर्ट को अगर कोई भी डैमेज होता है, राइट, तो वो एंटिटी को जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो होगा। तो इसलिए ये अलग से ट्रस्ट जो है वो तैयार किया गया है कि जिससे कि एक्सपोर्ट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली एक्सपोर्टर को सिक्योर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो सिक्योरली जो है वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवा सके, राइट। और नेशनल इंटरेस्ट यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नेशनल इंटरेस्ट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो, राइट, तो इस पर मेनली फोकस किया जाता है, राइट। और ये जो ट्रस्ट हम लोग को देखने को मिलता है ये प्रमोट करता है मीडियम और लॉन्ग टर्म या फिर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को, राइट, और किस चीज के लिए, ये बताता है कि जितने भी कवर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो इशू करती है ईसीजीसी, राइट, किसको, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म या प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को, तो जो भी, यानी कि कुल मिलाकर, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि ईसीजीसी हम लोग को जो देखने को मिलती है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ये क्या है, ये एडमिनिस्टर करती है पूरे प्रोजेक्ट को, तो इसके द्वारा जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है या फिर मीडियम या लॉन्ग टर्म जो हम लोग को जैसे एग्रीमेंट होता है कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट का, तो उसको जो है अगर ये सिक्योर कर लेती है, उसको अपने अंडर कवर कर लेती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पर गारंटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है एक प्रकार से, रिस्क की गारंटी, राइट, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोवाइड करती है। तो ये चीज आपको समझना है कि ईसीजीसी जिन भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को कवर करेगी उनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, राइट, इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के माध्यम से इंश्योरेंस का, राइट, एक्सपोर्ट पर इंश्योरेंस का। और ये सपोर्ट करती है एक्सिम बैंक को, राइट, फॉर बायर्स क्रेडिट, राइट, इसका क्या मतलब हुआ, ये सपोर्ट करती है एक्सिम बैंक को फॉर बायर्स क्रेडिट, इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे क्लियरली, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए कई बार बताऊं क्या चीज होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट, तो ऐसे ही जैसे अभी कुछ समय पहले स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग को देखने को मिला था कि उसने भी अपना आईपीओ जो है वो रिलीज किया, मेरे ख्याल से अभी अभी रिलीज किया, 3-4-5 दिन ही हुआ है, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट पर भी लोग बाग जो है वो इस पर वो कर सकेंगे, राइट, मतलब पैसा जो है वो, कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो उसमें हमें देखने को मिलता है कई बार जो इन्वेस्टर्स होगा उसको भी जो है वो इसमें रिटर्न मिलेगा, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये चीज है। और स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स जो है वो इससे रिलेटेड लिए हैं, तो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के कंटिन्यूएशन को अप्रूव किया, यानी कि इस स्कीम को अप्रूव किया है, और इसके अंदर 1650 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड के तौर पर जो है वो ऐड किए गए हैं, डाले गए हैं, और सिग्निफिकेंस जो है वो इस पर्टिकुलर मतलब गवर्नमेंट के अभी रीसेंट मूव का हमें क्या देखने को मिला है, क्योंकि कैपिटल इसके अंदर जो है वो ऐड किया गया, मतलब कि इस ट्रस्ट में और पैसे डाले गए, जैसे कि और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को जो है वो सिक्योर करवाया जा सके, राइट, उसके इंश्योरेंस जो है वो करवाए जा सके, राइट, कि इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके पास ह्यूज पोटेंशियल है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स का, यानी कि एक्सपोर्ट करने का ह्यूज पोटेंशियल है, राइट, और ये फोकस करें एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो करें अपने प्रोडक्ट को जो है सिक्योर करके, उसका इंश्योरेंस जो है वो करवा के, ये चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। और सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट विद इंडियन कंटेंट सोर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो इससे फायदा क्या होगा, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बूस्ट होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट पर मेनली फोकस किया जाएगा और सिक्योर्ड एक्सपोर्ट पर, राइट, कि एक्सपोर्टर जो है वो सिक्योर रहेंगे कि उनका अगर प्रोडक्ट अगर डैमेज होता है तो उनको क्लेम जो है वो मिल सकेगा, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें 1650 करोड़ रुपए को कंट्रीब्यूट किया, 1650 करोड़ रुपीज को जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि इसके कैपिटल में जो है वो ऐड किया है, तो अगेन अंडरराइटिंग कैपेसिटीज ट्रस्ट की जो है वो बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी, यानी कि प्रोजेक्ट को और सिक्योर करने की जो कैपेसिटी है वो एनहांस हो जाएगी। इट विल इनेबल दिस ट्रस्ट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट वर्थ रुपीज 33,000 करोड़ एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को जो है वो कर सकेगी, सपोर्ट कर सकेगी ये ट्रस्ट, राइट, तो ये सब चीजें, हालांकि इतना कुछ फिगर्स वगैरह आप लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए कि ये है क्या एग्जैक्टली, NEI, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, राइट, तो ये ट्रस्ट जो है वो अभी फिर से रिपीट हो रहा है, ये सेटअप हुआ था 2006 में, किस चीज के लिए,
मीडियम और लॉन्ग टर्म या प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको प्रमोट करने के लिए किया गया था। अच्छा, इसमें पॉलिटिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा है ये, इनेबलिंग क्रेडिट एंड पॉलिटिकल इंश्योरेंस। तो क्रेडिट की तो बात हम समझ गए, राइट, बट ये पॉलिटिकल इंश्योरेंस क्या है ये समझाओ आप मुझे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल इंश्योरेंस। आपने अभी तक तो इंश्योरेंस की बात करी, बट पॉलिटिकल इंश्योरेंस क्या है कोई बता सकता है? आपने पढ़ा है ये टॉपिक तो ये चीज आई होगी, पॉलिटिकल इंश्योरेंस, तो डाउट उठा होगा कि अरे यार ये पॉलिटिकल इंश्योरेंस क्या होता है, उठा है कि नहीं उठा? जिसको डाउट होता है उठा है, वेरी गुड, तो उन्होंने सर्च किया होगा, उसका आंसर मिला होगा। जिन्हें नहीं उठा है तो आपको और गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है कि ये पॉलिटिकल राजनीतिक सुरक्षा क्या है। ये क्रेडिट तो ये प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे अभी हमने जो है वो बात करी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और स्टॉक मार्केट से भी जो है ये पैसा जो है वो उठा लेंगे, राइट, उस पर लिस्ट करके। पॉलिटिकल इंश्योरेंस इज मे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, नहीं नहीं देखो क्या होता है, कई बार आपने सुना है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नए या फिर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंश्योरेंस मतलब गवर्नमेंट से लो आप, कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है कई बार कुछ टैक्स जो है वो लेकर आ जाती है अचानक से, राइट, कई बार कुछ ऐसी अपनी पॉलिसी बना दी, जैसे ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बना दिया, अब एकदम से गवर्नमेंट ने बोला कि अब उस प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, देन उस मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट जो तैयार किए थे एक्सपोर्ट कर स्पेशली एक्सपोर्ट करने के पर्पज के लिए, तो वो तो अटक गया वहां पर, उसका तो नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ऐसी जो चीजें होंगी जो पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, तो वो हम लोग को देखने को मिलती है, वो पॉलिटिकल इंश्योरेंस कहलाता है। यानी कि इसमें अगर किसी कंपनी को, इंटरप्राइज को, एंटिटी को जब नुकसान होता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्शन के कारण, जैसे कि कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, इवन जैसे आपने पार्टी की बात कही तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये राज्य बंद करवा देते हैं, राइट, होता है ना कि कई बार शटडाउन कर दो राज्य को, और इससे इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान होता है कि इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाती है, तो वो जो नुकसान जो है उसकी भरपाई करेगी ये पर्टिकुलर ट्रस्ट। तो ये चीज भी इसके अंदर हमें देखने को मिला कि ऐड किया गया, पैसे तो मिलेंगे बट इस प्रकार के जो पॉलिटिकल इंश्योरेंस की बात की जा रही है, इनकी पॉलिटिकल एक्शंस के कारण होने वाले जो नुकसान होते हैं कंपनी को, तो उसकी भी जो है वो भरपाई करेगा ये ट्रस्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये सपोर्ट करेगी ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि कमर्शियली वायबल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि कमर्शियल सेंस से अगर हम बात करें, यानी कि वाणिज्य रूप से या फिर हमारे ट्रेड को दूसरी कंट्री के साथ इंक्रीज करने के पर्पस से, या फिर ट्रेड सरप्लस आप कह सकते हो कि ट्रेड सरप्लस कि हम ज्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट करेगा। और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, जैसे कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसमें हम लोग टारगेट करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे तो इंटरनेशनली हमारी जो है वो बोलते हैं ना कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनली उसकी वो आगे बढ़ेगी, ऊपर उठेगी, राइट। कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने से हम लोग की जो इमेज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पर बढ़ती है, राइट। जैसे आज की डेट में जेनरिक ड्रग की अगर हम लोग बात करें तो जेनरिक ड्रग्स जो होते हैं, जेनरिक दवाइयां जो होती हैं, उसमें हम लोग एज अ लीडिंग रोल के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। पता नहीं वाली बात, हमने कई बार काफी सारे आर्टिकल्स में इसको डिस्कस किया हुआ है, तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। और कमिटमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो 4,000 करोड़ रुपए का है, और मैक्सिमम लायबिलिटी परमिसिबल जो है वो 20 times हम लोग को एक्चुअल कॉर्पस की देखने को मिल रही है, यानी कि 20 × 4 मतलब ये मान के चलो कि 80,000 करोड़ रुपीज की ये लायबिलिटी परमिसिबल जो है वो बताई जा रही है। उतना कुछ खास आपके लिए कैलकुलेशन नहीं है जानना, आपको बस ये बताना चाहिए कि ये एग्जैक्टली ट्रस्ट है क्या, इसका काम क्या है। तो सिंपल सी चीज है, एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस करना इसका मेन काम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और March 31, 2021 तक 3,091 करोड़ रुपीज जो है वो इसको प्राप्त हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी प्रकार का आपको आया तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। रेनन्सिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो इसके बारे में तो आपने ऑलरेडी एक रीडिंग लगाई ली है, मैंने और डिटेल में आपको एक लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपने देख लिया है, जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर इस लेक्चर को देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको जो है वो पूरी जानकारी मिल जाएगी, लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मोर देन 6 लाख इंडियंस रिनाउंस सिटीजनशिप इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज्यादा जो भारतीय हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो है वो ये कर दी है, रिनाउंस कर दी है, यानी कि त्याग दी है, राइट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा के अंदर इन्फॉर्म किया है, और रीजन जो है वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर किया है वो अभी तक रिप्लाई में नहीं दिया है। क्या वजह होगी गाइस कि लोगों ने अपनी इतनी भारी मात्रा में सिटीजनशिप जो है वो त्यागी है, बताओ क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि लोग जो है वो इंडिया से, मतलब
6 लाख लोग, बहुत बड़ी बड़ा वो है। एग्जैक्टली, माइग्रेशन फॉर जॉब, अपॉर्चुनिटी इन अदर कंट्रीज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्या एजुकेशन हो सकता है? क्या एजुकेशन हो सकता है? एजुकेशन कैसे होगा? एजुकेशन तो टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि एक एजुकेशन के लिए जो अगर कोई बच्चा गया होता है बाहर, तो ऑब्वियसली होता है इंडियन सिटीजनशिप थोड़ी ना त्यागता। वो एजुकेशन लेने के लिए जो जाते हैं वो इंडियन सिटीजनशिप त्याग देते हैं क्या? नहीं त्यागते, पहले उन्हें दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, हाँ, गो फॉर एजुकेशन एंड देन सेटल। तो जॉब, सेटल मतलब कि जॉब, तो जॉब बेटर है, राइट? तो अगर सिर्फ एजुकेशन के लिए पूछा है तो गलत होगा, ठीक है? तो ये चीज भी क्लियर रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में हमें पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप को त्यागने का मतलब है क्लियरली, सिटीजनशिप को त्यागना मतलब कि दैट गाय इज नो मोर इंडियन सिटीजन। जॉब तो ऐसा नहीं, और बाहर की चकाचौंध जो होती है, एक बार इंसान जब बाहर जाता है तो वापस नहीं आता, मुश्किल है, क्योंकि बाहर हाई पे सैलरी वगैरह उसको मिलने लगती है, राइट? भले ही कैसी भी जॉब करे, बट इंडिया से, इंडिया के कंपैरिजन में हाई पे ही मिलता है वहां पे, राइट? तो वो चीज रहती है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वहां पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी है, बट हाँ, कमियां भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही है, वहां पर कमियां भी हैं। वहां पर कई बार देखा जाता है कि इंडियन के साथ जो है वो सही ट्रीट नहीं किया जाता, इल ट्रीट किया जाता है, राइट? हाई पे देखो, उसका कारण ये है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज है, इसलिए हाई पे। आप देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी छोटी सिटी में, इंडिया की बात कर लो, इंडिया के अंदर आपको खुद डिफरेंस पता लगेगा। आप इंडिया में जैसे कोई छोटी सिटी से, मैं अपनी सिटी की बात करता हूँ, भोपाल, राइट? वैसे छोटी सिटी नहीं है, ठीक है, अच्छी बन गई है। मैं आपको भोपाल की बात करता हूँ, भोपाल के अंदर जैसे कि कॉल सेंटर में अगर कोई व्यक्ति जॉब करने जाता है तो उसको 5,000 या 8,000 रुपए मैक्सिमम जो है वो देंगे वो लोग, राइट? और स्टार्ट करेंगे 4,500 से। और वैसे तो अब जो एक्सपीरियंस, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, या जो ज्यादा सेल्स कर रहा है उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, बट इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ। बट वहीं अगर आप चले जाओगे यहाँ पर हैदराबाद में, राइट, बेंगलुरु में, राइट, पुणे में, दिल्ली में, मुंबई में, तो कॉल सेंटर में यहाँ पर 15,000 तो मिनिमम देते ही है लोग। तो अब आपको बात समझ में आई कि क्या डिफरेंस है हाई पे और उसमें? तो ये डेवलप का डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। और दूसरी बात देखो क्या होता है, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर भी होता है, उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ वहां पे जाके कमाई हो रही है, नहीं बॉस, वहां पे खर्चे भी हैं, एक्सपेंडिचर भी है वहां पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ कमाई है, हाई पे है तो हाई एक्सपेंडिचर भी है, तो वाली चीज है। तो चलिए, पार्कर सोलार प्रोब की हम लोग बात करते हैं, पार्कर सोलार प्रोब। और दूसरी बात क्या रहता है कि करेंसी का भी एक रोल हो जाता है, जैसे कि जो लोग बाहर जाते हैं वो वहां से अगर फॉरेन करेंसी भेजेंगे, राइट, इंडिया के अंदर, तो वो कन्वर्ट होकर उसकी वैल्यू जो है वो हाई मिलती है। तो कुल मिलाकर बाहर जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी फैमिली जो होती है जो इंडिया में रहती है, तो उनको एक अच्छा फायदा मिलता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग बाग बाहर गए हैं, राइट, जिनके बच्चे बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, फिर तो उसके बाद जब वो अर्न करने लगते हैं तो उनका मकान जो होता है इंडिया के अंदर, वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लगता है, चकाचौंध दिखने लगती है मकान के अंदर, राइट, धीरे धीरे करके एक फ्लोर जो है वो बढ़ने लगता है, राइट, या कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। मतलब आप आसपास के लोगों को समझ में आ जाते हैं कि यार इनके पास पैसा आ रहा है दमादम, राइट? तो वो चीज आपने भी नोटिस करी होगी कई बार शायद। तो मैंने तो पर्सनली जो है वो चीजों को देखा है कि किस प्रकार से एकदम से डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाता है। और हर हर तरीके से देखो, जैसे कि अगर ऑब्वियस ही बात है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो काम करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं जब वो ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो फिर अपने पेरेंट्स का जो मकान होता है, या जैसे उनकी जैसे आना जाना उनका, तो उसको बहुत अच्छा बनाते हैं, लग्जरी बनाते हैं, जैसे आप लोग करोगे आने वाले समय में। उधर रहने थोड़ा ना दोगे अपने माँ बाप को यार, अपनी गाड़ी से नीचे, आईएएस की गाड़ी से नीचे, राइट, उतरने ही नहीं दोगे। अगर सही होगा, देखो ये चीज गवर्नमेंट की, जैसे बोलते हैं ना हम लोग की गवर्नमेंट की के द्वारा दी गई फैसिलिटीज जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली लोग करते हैं यार, उनका खुद का भी पर्सनल इंटरेस्ट होता है। और ये बात पता ही है यार, सबको पता है कि लोग अपने माँ बाप के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे यार, राइट? आप जब कल को डीएम बन जाओगे, आईएएस आईपीएस बन जाओगे, राइट, तब आप ऑब्वियस ही बात है कि आप अपने माँ बाप को थोड़ा ना उतरने दोगे, राइट, सड़कों पर थोड़ा घूमने दोगे, बोलोगे कि ड्राइवर भिजवा रहा हूँ मैं, थोड़े ना उनको फिर आज, अब जैसे आज की डेट में आपके जो पेरेंट्स हैं स्लीपर में ट्रैवल करते होंगे, राइट, ट्रेन में, तो आप उनको फर्स्ट एसी से नीचे उतरने ही नहीं दोगे, प्लेन का ही सफर करवाओगे उनको, बोलोगे कि जितनी भी बेस्ट चीज है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सभी सभी बच्चे करते हैं, राइट, और ना ही सिर्फ आईएएस आईपीएस बनने के बाद, को कुछ भी कर रहे हो तो बच्चों का काम ही है यार कि ये चीज करना। चलो एनीवेज,
आगे की बात करते हैं, पार्कर सोलार प्रोब की बात करते हैं। इस टॉपिक को पहले कई बार हम लोग डिटेल में जो है वो कवर कर चुके हैं, पार्कर सोलार प्रोब को। तो नासा का प्रोब जो है गाइस, इसने काफी नजदीक चला गया ये सूर्य के, राइट, क्योंकि सूर्य की स्टडी करने के लिए ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि ये गया था, राइट। और ये जो प्रोब जो है गाइस, ये जस्ट 5.3 मिलियन माइल्स, अबे 5.3 मिलियन माइल्स की दूरी पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट नहीं, स्पेसक्राफ्ट बोलोगे, 5.3 मिलियन माइल्स की दूरी पर हम लोग को ये अभी देखने को मिल रहा है, राइट, सन के सरफेस से। और ये बताया जा रहा है कि 363,63,660 माइल्स पर आर की स्पीड में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो कि अभी तक जो क्रिएट किया गया उसमें सबसे फास्टेस्ट जो है वो बताया जा रहा है, पार्कर सोलार प्रोब। तो एक आपको एक और चीज, एक और फीचर पार्कर सोलार प्रोब का पता लग गया कि सबसे फास्टेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। सूर्य के बारे में तो पता ही, कि सबसे सूर्य के अभी तक जो सबसे नजदीक गया है वो पार्कर सोलार प्रोब ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसने ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और अब नेक्स्ट क्या, तो ये प्रोब जो है गाइस, ये चक्कर लगाएगा और भी सूर्य के नजदीक जाएगा और 430,000 माइल्स पर आर की स्पीड को अचीव करेगा और 4.3 मिलियन नजदीक जो है वो पहुंच जाएगा सूर्य के सरफेस से, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और जैसे जैसे ये सूर्य के नजदीक जाएगा वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा कलेक्ट करके हमारे धरती पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को, जिससे कि साइंटिस्ट और रिसर्चर बेहतर तरीके से सोलार विंड को समझ सकेंगे, राइट, कितने अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स हम लोग को उस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है उसको जो है वो समझ सकेंगे और स्टडी जो है वो कर सकेंगे सूर्य की। इस मिशन की बात करेंगे इस, तो नासा का हिस्टोरिक पार्कर सोलार प्रोब मिशन हमें देखने को मिल रहा है। सूर्य को समझने के लिए ये मिशन जो है वो बनाया गया है, तैयार किया गया है, राइट, कि किस प्रकार से सोलार सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से सोलार सिस्टम या स्पेशली सूर्य जो है वो किस प्रकार से हमारी धरती को या फिर दूसरे प्लैनेट्स को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। स्पेशली सोलार विंड्स में हम लोग कई बार देखते हैं, जब सोलार विंड्स जब आती हैं, राइट, तब उस समय हमारी काफी सारी सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं तो उसमें लैग होने लगता है, यानी कि उसकी जो कनेक्शन जो होता है उसमें लैग जो है वो होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सैटेलाइट्स वगैरह को इफेक्ट करती है, हमारे जो कनेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो उस पर उसको जो है अफेक्ट करती है। तो इसी चीज की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, राइट, कि ये किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है और इसके इफेक्ट को इन फ्यूचर जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या करके रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसी की स्टडी जो है वो चल रही है पार्कर सोलार प्रोब के जरिए नासा के, राइट। और ये ट्रैवल कर रहा है सूर्य के एटमोस्फियर में, राइट, काफी नजदीक चला गया है सूर्य के। और अभी तक कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि सूर्य के जितना नजदीक गया है जितना कि पार्कर सोलार प्रोब हम लोग को देखने को मिल रहा है। ब्रूटल हीट और रेडिएशन कंडीशन को फेस करते हुए ये अपने मिशन को जो है वो कंटिन्यू चला रहा है, राइट, और ऑब्जर्व कर रहा है सूर्य को। इसकी जर्नी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसने वीनस के जो है वो चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, और उसके बाद फिर अब ये मरकुरी के चक्कर लगा रहा है और सूर्य के काफी नजदीक जो है जा रहा है, क्योंकि वीनस के ऑर्बिट को छोड़कर ये मरकुरी के ऑर्बिट में गया और मरकुरी के ऑर्बिट को छोड़ेगा नहीं, मरकुरी के ऑर्बिट में ही रहकर सूर्य के काफी नजदीक जो है ये जाएगा, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिल रही है। एंड स्पेसक्राफ्ट विल फ्लाई थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर एज क्लोज एज 3.9 मिलियन माइल्स, मतलब कि सूर्य के 3.9 मिलियन माइल्स के नजदीक जो है वो जाएगा विद इन द ऑर्बिट ऑफ मरकुरी। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई, वही चीज अभी हमने जो डिस्कस करी। और इसके 3 डिटेल साइंस ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो फ्लो ऑफ एनर्जी को ट्रेस करना कि किस प्रकार से सोलार कोरोना और सोलार विंड जो है वो कैसे एक्सेलरेट होती है, कैसे हीट इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, और ये निर्धारित करना कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या डायनेमिक्स है इस प्लाज्मा के और मैग्नेटिक फील्ड के, राइट, सोलार विंड्स के जो सोर्सेज हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये कहाँ से आ रही हैं, राइट, तो उस चीज को जो है वो निर्धारित करना, उस स्ट्रक्चर को निर्धारित करना, एक्सप्लोर करना मैकेनिज्म्स, राइट, कि जिसके चलते ये जो एनर्जी पार्टिकल्स जो है या एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं या ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, तो उस चीज को जो है वो चेक करना, देखना। तो ये सब चीजें इसके अंदर है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को ऑलरेडी जानकारी है ही, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हर चीज हमने इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस की हुई है। और अभी रिसेंटली रिलीज हुई है एक रिपोर्ट, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट, 5th जनरेशन टेलीकॉम सर्विसेज जो है, इस रिपोर्ट के थ्रू बताया जा रहा है कि ये मोबाइल सब्सक्रिप्शन यानी ये मोबाइल यूजर्स जो है उसका 39% यूजर जो है वो 5G सर्विसेज जो है वो चला रहे हैं,
या फिर अबाउट 500 मिलियन सब्सक्रिप्शन इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2027 के एंड तक जो है वो 5G सर्विसेज का यूज करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, 2027 तक चलाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शन जो है वो बताया जा रहा है कि एट द एंड ऑफ 2021 2021 के एंड में 810 मिलियन लोग जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 810 मिलियन स्मार्टफोन सब्सक्रिप्शन हम लोग को देखने को मिलेंगे, 810 मिलियन लोग जो है वो एट द एंड ऑफ 2021 हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे जिनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस होगा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रो करेगा एनुअल ग्रोथ रेट के तौर पर 7%, यानी कि 7% हर साल जो है वो ग्रो करेगा, और 2027 तक 1.2 बिलियन से एक्सीड जो है वो कर जाएगा, यानी कि स्मार्टफोन यूजर्स की यहाँ पर बात हो रही है। और स्पेशली किस के सब्सक्रिप्शन में, ये इंटरनेट के सब्सक्रिप्शन में। और 4G सब्सक्रिप्शन जो है बताया जा रहा है कि ये रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 68% ऑफ मोबाइल सब्सक्रिप्शन इन 2021 टू 55% इन 2027, क्योंकि 5G के आने के बाद जो है वो 4G से लोग जो है वो हट जाएंगे। तो सिंपल सी चीज है यार, उसमें कुछ खास इतना नहीं है। 5G के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि नेक्स्ट जनरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, 4G LTE के बाद जो है ये 5G की सर्विस ये शुरू कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, इसमें ये चीज जरूर याद रखो, ये फैक्चुअल चीज स्पेक्ट्रम वाली 30 से लेकर 300 GHz, क्योंकि अब स्पेक्ट्रम भी पूछ रहे हैं कि कौन से स्पेक्ट्रम पर ये जैसे कि 5G जो है वो ऑपरेट करेगी, तो 30 से 300 GHz, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तीन बैंड है इसके, लो मिड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैंड। इसके फायदा ये है कि इसमें लेटेंसी रिड्यूस होगी, लेटेंसी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसा है जिसको लेटेंसी क्या होता है ये नहीं पता, राइट, बिल्कुल आपने लिख भी दिया। लेटेंसी के बारे में तो इतनी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब टर्म्स यूज किया करो। लेटेंसी का मतलब जैसे आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो टाइम लेती है जो वेबसाइट ओपन होने में, तो उसको अपन लेटेंसी बोलते हैं कि बहुत टाइम ले रही है, राइट। तो ये उस टाइम को जो है वो रिड्यूस कर देगी। और ये वेबसाइट को ओपन होने में टाइम लेने का मतलब ये है, सिंपल सी चीज कि जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले समय में आपको पता है कि इंडियन सड़कों पर भी जैसे टेस्ला की जो कार है ऑटोमेटिक कार, तो वो सब चलेंगे, राइट। अब आप खुद सोचो कि आपने कार को जो है वो कुछ कमांड दिया, राइट, और या फिर कार में जो सेंसर्स लगे, अब ये इंटरनेट के माध्यम से पूरी चीज ऑपरेट हो रही है, कमांड जो है वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। अगर लेट्स से कि वो कमांड को एक्सेप्ट करने में देरी होगी, मतलब आप वेबसाइट को एंटर दबाते हो, मतलब आपने कमांड दिया, आपने वेबसाइट को एंटर दबाया और वेबसाइट आपके सामने जो ओपन हो रही है, तो जो टाइम टेकिंग जो सिनेरियो है ना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कार के कॉन्टेक्स्ट में या दूसरी टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपने एंटर दबाया, आपने कमांड दिया, आपने कार को जो है वहां पर एंटर दबाया, वहां पर कमांड दिया कि अभी रुकना है, और उस तक कमांड जो है वो नहीं पहुंचा, राइट, मतलब की लेटेंसी होगी, आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हुई, उस तक कमांड नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस लेटेंसी को आपको समझना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को, ये लोड स्पाइक्स, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको बताया। और सिग्निफिकेंस इस टेक्नोलॉजी का हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसने इंपॉर्टेंस जो है वो बताई है 5G की, कि किस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी जो है वो रिवोल्यूशन लेकर आएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें, क्लाउड की बात करें, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करें, राइट, तो इन सब फील्ड में जो है वो बहुत मेजर रिवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा, और देखने को मिल ही रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आती जा रही है, नए नए इनोवेशन जो है वो होते जा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, 5G से हेल्थ को खतरा है क्या किसी की, बताओ। बहुत चल रहा था कि 5G के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, नेटवर्क की टेस्टिंग चल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, खतरा है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है खतरा, बताइए, क्योंकि जिस स्पेक्ट्रम की रेंज में ये है वो स्पेक्ट्रम में खतरा नहीं होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हायर स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर हम बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, थोड़ा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो खतरा होगा या लो फ्रीक्वेंसी होगी तो खतरा होगा, अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो खतरा होगा या लो फ्रीक्वेंसी होगी तो खतरा होगा, यस एग्जैक्टली, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो खतरा होगा, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्यों, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में जो बॉडी के अंदर जो है पेनिट्रेट किया जा सकता है, उसको लो फ्रीक्वेंसी में बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट हो सकती है ये फ्रीक्वेंसी, और हीट टिश्यू को जो है वो हीट करेगी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि बॉडी के अंदर, सिंपल सी चीज, बॉडी के अंदर जाने के लिए उसको, अब आप देखो कैसे इस चीज को समझोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लो समझ में आ जाएगा। देखो, बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हमारे शरीर पर, जैसे कि हाथ में हम लोग को जो बाल जो देखने को मिलता है, राइट, तो वो छोटे छोटे पोर्स से जो है वो निकल रहा है कि नहीं, बाल जो है। आप ये चीज सोच के रखो कि बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए इसे बड़ी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी चीज की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो लो फ्रीक्वेंसी, तो बॉडी के अंदर ये एंटर करेगी लो फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बॉडी के अंदर ये एंटर नहीं कर पाएगी, ब्लॉक कर देगी, राइट। तो इसलिए कि लो फ्रीक्वेंसी होगी तो बॉडी को डैमेज करेगी, और बॉडी में टिश्यू को हीट करके ये डैमेज करती है, राइट। और हीटिंग जो होती है ना गाइस, तो ये एक
कार्सियोजेनिक इफेक्ट के तौर रूप ले लेती है। कार्सियोजेनिक इफेक्ट का मतलब कि कैंसर हो, जब भी बॉडी के अंदर अनइवन हीटिंग होगी ना, तब उस समय एक इंडिविजुअल की जो टिश्यूज वगैरह जो होंगे वो ट्यूमर में कन्वर्ट होंगे, राइट। तो ये वाली चीज भी एक होती है, ये साइंटिफिक आपको शायद पता होगा इस चीज के बारे में, कि अगर ये जो ट्यूमर जो डेवलप होते हैं वो हीटिंग के कारण भी हम लोग को कई बार देखने को मिलता है, राइट। टिश्यू हीटिंग के कारण, जैसे बोलते हैं ना कि टिश्यू में चेंजेस आए, राइट। तो वही चेंज जो हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ट्यूमर का रूप जो है वो ले लेता है, तो ये उससे भी आप इसको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी सारी स्टडीज के थ्रू बता दिया गया है कि ये बिल्कुल वो है, मतलब बिल्कुल भी खतरे वाली नहीं है, डेंजरस नहीं है, इससे ह्यूमन को जो है वो कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, सिंपल चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी जो है वो इसी के बारे में जो है वो कह रही हैं, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी के थ्रू ये चीज जो है बताई है कि इसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली 300 गीगाहर्ट्ज की होती है, तो वो जो होती है वो मतलब हेल्दी रहती है, यानी कि उसमें ह्यूमन को जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है, राइट। तो इस चीज की ये बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल एफर्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ईएमएफ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, डब्ल्यूएचओ ने इसको एस्टैब्लिश किया, ये चीज आप ध्यान में रखना है। ईएमएफ प्रोजेक्ट 1996 का किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, डब्ल्यूएचओ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। इसमें इन लोग ये चीज देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो इफेक्ट्स हैं हेल्थ पर वो किस प्रकार से होते हैं, तो उसको ये इन्वेस्टिगेट जो है वो करते हैं, राइट। और ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, और ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का। कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो, कोई अगर डाउट किसी प्रकार का तो। और बाकी एक और चीज आपको बतानी है कि आपको पता होगा शायद, मैंने टेलीग्राम पर जो है वो ये आपको भेज दिया था ऑलरेडी, कि एक आपका फ्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा आज रात से 9 बजे से, यानी कि अभी मैंने आपको ऑलरेडी टेस्ट की वो दे दिया है, टॉपिक जो है वो दे दिए, वो आपको प्रिपेयर करना है, और रात में 9 बजे आपके फ्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट होंगे, और सभी को इस टेस्ट को लगाना है रेगुलर बेसिस पर। 10 दिन के लिए अपने आप को बांधो और 10 दिन तक रेगुलर बेसिस पर ये टेस्ट लगाओ। महक जी 5 का शो हो रहा है, मतलब मैं समझा नहीं। राजीव जी पीडीएफ तो, पीडीएफ मतलब एक दिन पहले ही मिल जाता है, या कई बार क्या होता है कि जब पीडीएफ बन नहीं पाती है तो मैं सुबह सुबह जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। आप चेक करिए राजीव जी, इसमें आपको आपकी ड्राइव पर दिसंबर का फोल्डर जो है वो आपको मिल जाएगा, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं, पीडीएफ अवेलेबल रहता है, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर अवेलेबल रहता है। 5 का क्या शो हो रहा है आपको, 5 का? नहीं, फोर्थ, आज 4 दिसंबर है ना, तो आज रात में 9 बजे आज से ही टेस्ट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। आज टेस्ट के मैंने टॉपिक्स भी जो है वो दे दिए हैं। महक जी किसमें एनरोल किया है आपने? अच्छा, आप 5 के टेस्ट की बात कर रहे हैं, ओके ओके। 5 का टेस्ट जो है वो, हाँ आपका जो है होगा वो 11 बजे होगा, कल कल जो होगा वो टेस्ट 11 बजे होगा। नहीं प्रीति जी, टेस्ट जो होगा वो आपका ये अनअकैडमी के इंटरफेस पर होगा, और कोड आप लोग को एक ही यूज करना है, कैपिटल में झा सर। नहीं, टेस्ट के मैंने टॉपिक्स दिए हैं, आप वो ज्वाइन कर लो, क्या बोलते हैं ये अपना टेलीग्राम का ग्रुप, इसमें टेस्ट के टॉपिक जो है वो मैंने दे दिए हैं। ठीक है, चलो फिर अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भले ही फ्री देखो या पेड सब्सक्रिप्शन लो, कोड यूज करना है झा सर कैपिटल में। क्या समझाना है शिखर जी, बताओ आप, क्या चीज समझ में नहीं आ रही, पूछो। हाँ, वो ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप के थ्रू जो है वो सही रहेगा, क्योंकि वेबसाइट पे कई बार लैग होता है। ये क्या है, मतलब ये मतलब क्या, मतलब आप पूरा तो बताओ कि ये क्या है टेस्ट के बारे में। देखो टेस्ट जो है वो अभी मैं 10 दिन का आपको चैलेंज दे रहा हूँ, टेस्ट जो है वो मैं होस्ट कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा सेट किए जाएंगे टेस्ट के अंदर, और ये फ्री में टेस्ट है जो आप जो है वो दे सकते हैं। ये टेस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम का, आपका आपने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ ना टेलीग्राम के ग्रुप को, अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ग्रुप को, तो वहां पर जो है आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक के माध्यम से, जैसे अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि टेस्ट में आज कौन से टॉपिक जो है वो होंगे, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री का टेस्ट होगा आज, पहले दिन हिस्ट्री का टेस्ट है,
हिस्टोरिक एज को आपको पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, वैदिक एरा के बारे में पढ़ना है, जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। टोटल 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का टेस्ट जो है वो मैं सेट करूंगा, और सभी को जो है इस टेस्ट को लगाना है, और अपने पास बिल्कुल एक चैलेंज के तौर पर लो कि अगले 10 दिन तक रेगुलर बेसिस पर आपको टेस्ट कंडक्ट करना है, और इस तरीके के टेस्ट में रेगुलर बेसिस पर लाता रहूंगा। डायरेक्ट लिंक से हो जाएगा, और वैसे ऐप अगर डाउनलोड कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आसान पड़ जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। बाकी मैं लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन पर भी ऑलरेडी एक लिंक है जो 5 तारीख का स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम जो कंडक्ट कर रही है अनअकैडमी, तो उसको जो है वो उसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर लो, उसमें इनरोल हो जाओ, राइट, फ्री है वो भी, कोई पैसा नहीं लगेगा, उसमें इनरोल हो जाओ और कोड यूज करना कैपिटल में झा सर, तो उसमें और भी आपके लिए बेनिफिट जो है वो ओपन हो जाएंगे। प्रतीक यदि इनरोल नहीं हो रहा वो, वैसे तो महक जी अभी आप हो क्या लाइन पे, लाइव हो अभी आप, तो आपका इनरोल हो गया था 5 दिसंबर वाला, तो प्रतीक जी मेरे ख्याल से आप शायद कुछ गलत प्रोसेस का यूज कर रहे हो, आप एक बार फिर से ट्राई करना, हो जाएगा आपको, डोंट वरी, हो जाएगा। क्या शायद कुछ नेटवर्क वगैरह का इशू हुआ होगा, या कोई कोई हुआ होगा टेक्निकल, कुछ एरर आ गया होगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कल होगा आपका उसमें टेस्ट, और बाकी आज से तो अभी 10 दिन के टेस्ट में अभी कंडक्ट कर रहा हूँ आपके, और रेगुलर बेसिस पर चैलेंज के तौर पर लो, और इसे एक्सेप्ट करना है आप लोगों को, राइट, क्योंकि आप कोई भी चीज जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़नी यार, अब तपना है आप लोगों को, एग्जाम अब नजदीक आएगा, धीरे धीरे करके डेट्स आगे बढ़ती जा रही है, तो हमें और भी जो है वो अपने आप को मजबूत बनाना है, राइट। चलो अच्छे से जो है वो तैयारी रखो अपनी, और अपन मिलते हैं आप कल करंट अफेयर्स के लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।